प्रिया धीर रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। एमओएस अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। डीआरडीओ ने ओडिशा के तटीय इलाके में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट का किया सफल परीक्षण। स्मार्ट के जरिए वॉरशिप में स्टैंड ऑफ क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिट्टी की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आज से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू करने की घोषणा की। पंजाब के संगरूर में खेती बचाओ यात्रा में एक जनसभा में राहुल गांधी ने किया बीजेपी पर वार। बोले, मोदी सरकार की एक भी नीति गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, इनकी सब नीति इनके चुने हुए मित्रों के लिए बनाई जाती है। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा दावा, आश्वस्त रहिए हम किसी भी चुनौती का सामना करने में हैं सक्षम। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक राखी बिड़लान 5 लोगों की डेलीगेशन के साथ हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां संजय सिंह पर फेंकी गई स्याही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। बोले, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था भयावह, सीएम ममता बनर्जी ने मेरा अर्जेंट मैसेज अनदेखा किया। कर्नाटक से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 50 लाख से अधिक कैश किया गया बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का निधन, कोरोना से संक्रमित होकर हो गए थे ठीक। जेडीयू और आरजेडी ने आज जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की हत्या से इनकार की रिपोर्ट पर संजय राउत बोले, फॉरेंसिक डॉक्टर का शिवसेना से नहीं है कोई संबंध। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स पैनल की रिपोर्ट पर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर, सच हमेशा सामने आता है। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा दावा, कहा हाथरस के बहाने जातीय दंगे भड़काने की हुई साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट रातों रात बनाई गई और इसके जरिए जातीय दंगे कराने की गई साजिश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।